हमने इस बार फीमेल स्टाफ को लगाया है, जिसमें 294 पोलिंग स्टेशंस में 57 ऐसे पोलिंग स्टेशंस हैं जो कम्प्लीटली फीमेल पोलिंग स्टाफ द्वारा मैन किए गए, और 38 ऐसे पोलिंग स्टेशंस थे जिसमें 75% ज़्यादा फीमेल पोलिंग स्टाफ रहे। और सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूँ तो इस बार जो फीमेल पर्सनल सिक्योरिटी पर्सनल उनका भी डिप्लॉयमेंट इन पोलिंग स्टाफ के साथ हुआ, जो हमारे 65 ईयर्स के अबव लोग हैं या फिर पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ हैं, जो विशिष्ट रूप से सक्षम लोग हैं, या फिर जो नोटिफाइड इसेंशियल सर्विसेज में लोग हैं, या फिर जो कोविड पॉजिटिव होकर होम आइसोलेशन में हैं, होम क्वारंटीन में हैं या इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में हैं, उनके लिए भी पोस्टल बैलेट की फैसिलिटी एक्सटेंड की गई थी। ऐसे जो हमारे पास डेटा हैं वो सीनियर सिटीजन्स की कैटेगरी में 2107 हैं, और पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ जो हैं 105 है, और इसेंशियल सर्विसेज में जो हैं वो 423 हैं। तो टोटल जो हमारे ऐसे वोट कास्ट हुए थ्रू पोस्टल बैलेट इस कैटेगरीज में वो 2538 हैं, 2538। और जो इस बार हमारे पास इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट्स भी इशू किए गए, जो पोलिंग पर्सनल डिप्लॉय किए गए थे चाहे वो सिक्योरिटी के हों या पोलिंग स्टाफ हों, तो उनका जो टोटल रिस्पांस आया है वो 1635 आया है, 1635, जो हमारे टोटल 4303 इतने हमारे पोस्टल बैलेट्स अवेल किए हैं जो टोटल लोग हैं। और पिछली अगर मैं 2015 LSDC इलेक्शंस की बात करूँ तो उस समय भी जो वोटर टर्नआउट था वो 65% के आसपास था, और इस बार भी वोटर टर्नआउट हमारा 65% के आसपास है। बट ये इलेक्शन चूँकि इतने रिमोट एरियाज़ में कराना, और दूसरी चीज़ कि जब आप इस टाइम पर यहाँ टेम्परेचर मिनिमम टेम्परेचर रात के -5 जाते हैं, दिन के टाइम पर टेम्परेचर 16 डिग्री 18 डिग्री, तो जो डायर्नल टेम्परेचर रेंज होता है वो बहुत ज़्यादा है, तो इन 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 परिस्थितियों में इलेक्शंस कराना बहुत ही बड़ा चैलेंजिंग था।